उसी से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन अगर बनाए तो देरी क्यों कर रहे हैं, शामिल करो, मुझे भी शामिल करो। आप हमेशा कहते हैं कि मैं पार्टी से हटा नहीं हूँ, मुझे हटाया गया है, मुझे धक्का देके बाहर निकाला गया है, इस पर आपका रुख क्या रहेगा, मतलब आपके साथ? देखिए, मैंने इसलिए ये बात कही है, बहुत मेहनत के साथ हम लोगों ने ये पार्टी बनाई थी नेताजी के साथ। हम लोगों ने हमने काम उस पार्टी में कम से कम 48 साल किया है, पता कर लेना जी। और यहाँ भी पता होगा, जब यहाँ माधवगढ़ का चुनाव हुआ था, सही बात है, उसमें चुनाव में हमारी विशेष भूमिका थी, उसी से चुनाव चौधरी शंकर सिंह जी थे, चौधरी हनुमान सिंह जी थे, नेताजी थे, उनके साथ उस समय भी हम सक्रिय थे राय, तो हमारी बड़ी भूमिका थी इस समाजवादी पार्टी को बनाने। 2019 में आपकी अगर सीटें आती हैं तो क्या हो? मैं नहीं चाहते थे कि पार्टी टूटे, हमने 2 साल इंतजार किया जी जी, और हम विधायक भी थे उसी पार्टी से, और सब पार्टी में मुझे बुलाया ही नहीं, हम तो अध्यक्ष भी रहे, नेता विरोधी दल भी रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे, सभी पद रहे मेरे पास, उसके बाद भी मुझे पूछा नहीं जाता था, मुझे किसी बैठक में बुलाया नहीं जाता था, किसी जिले में जाएं तो वहाँ के जो चपरासी नेता नहीं है वो, और उन्हीं के चुगलखोरों के और चापलूसों की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उनकी बात मानी जाती थी, जिनके साथ किसी भी नेताओं की बात नहीं, बड़े बड़े नेता है, चौधरी शंकर सिंह का परिवार है, चौधरी हनुमान सिंह का परिवार था, बड़े बड़े नेता थे, उनके सहयोग से उनके परिवार के लोगों को नहीं पूछा जाता, जो सक्रिय थे, जब सक्रिय थे, जब हमने तो 2 साल इंतजार किया, 4 साल तो पुख्ता हो गए, जब नहीं पूछा गया, जब किस आप सब जानते हैं, कुछ मत कहो, अब सब पता है। नहीं नहीं, जिनके साथ आपने 40 साल करा है, कार करता परेशान होता था। एक बात मैं बता दे सर, सर आज जब से मैंने पार्टी बनाई है जी, तब से नेताजी का भी अपमान हुआ, हमारा भी।